गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं, जहां हमने कल चीज़ों को छोड़ा था उसी से आगे पढ़ने का आज हम काम कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने पिछली क्लास को केयरफुली देखा होगा और सभी कंसेप्ट को ध्यान से समझा होगा, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो चलिए आज हम पहले उस बात को समझते हैं जो हमने कल पढ़ा था। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम आम को खाता है। हमने कल तीन चीज़ें जानी थी। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा वर्ब होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? अगर किसी सेंटेंस में हमको कोई सब्जेक्ट दिखाई देता है या फिर वर्ब दिखाई देता है तो उसको हम तभी सेंटेंस कह सकते हैं, अन्यथा इससे पहले हम सेंटेंस नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। और ये आपका सेंटेंस या फिर आपका बन जाएगा क्लोज, ठीक। इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं और क्लोज भी कह सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं साथियों, जो हमारे बिगिनर साथी हैं, न्यू है बिल्कुल, ठीक है, और वो इंग्लिश को स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ना ये चीज़ें बाद में परेशान कर सकती थी अगर मैं इनके कंसेप्ट नहीं बताता तो, कि सेंटेंस मैंने क्या बोल दिया, ये क्लोज यहाँ पर क्या बोल दिया, ये क्लोज क्या होता। तो ये सारी बातें ना अभी हम इस तरह से सीख रहे हैं जैसे हम हिंदी को पढ़ने के छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी सीखते हैं नहीं। तो जब आप इनको समझेंगे क्लोज, जैसे ही मैं बोलूँगा क्लोज तो आपकी समझ आ जाएगा क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उस वाक्य को हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए ये बात हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपके सामने एक सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो। राम जो है वो आम को खाता है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में बताना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो बताइए, हमने जाना था कल सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का, ठीक। तो यहाँ पर अब हमको पता करना पड़ेगा काम, क्योंकि जब हमको काम पता होगा तभी हम पता कर सकते हैं कि उस काम को करने वाला कौन है। तो देखो यहाँ पर जो काम है वो आपका काम है खाने का, क्या है? खाने का, जी। तो खा रहा है, अब क्या खा रहा है? आम। अब बताइए आम को कौन खा रहा है? राम। आम को कौन खा रहा है? राम खा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप वर्ब के अंदर, काम के अंदर आप लगाएंगे कौन, ये नहीं, इस तरह के वर्ड, तो आपको पता चलेगा कि करने वाला खुद आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। राम को कौन खा रहा है? आम को कौन खा रहा है? राम खा रहा है, ठीक है, ठीक है, जी हाँ। कौन या क्या लगाओ, आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा, ठीक। अब देखो अगला सेंटेंस देखो, सोहन इज अ डॉक्टर। सोहन क्या है? एक डॉक्टर है। अब मैं आपसे कहूँ डॉक्टर कौन है तो आपको जवाब में मिलेगा सोहन है। तो सोहन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। अब बताइए सोहन हमारा यहाँ पर काम कर रहा है? नहीं भाई, ये काम नहीं कर रहा, बल्कि इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है? कि ये डॉक्टर है, ठीक। अब आगे देखो, ये आपका इज क्या है? इज आपका है वर्ब, ठीक है। कौन सा वर्ब? हमने कल पढ़ा था मैन वर्ब है। क्या है? मैन वर्ब। और मैन वर्ब जो आपके होते हैं ये आपके होने के सेंस में आते हैं, मैंने कल बताया था होना। तो है के सेंस में आए, सोहन है क्या है? एक डॉक्टर है। तो इसको हमने कर लिया रिवाइज, ठीक है। अब देखिए बेसिक जो पॉइंट होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो वो हमारे स्टार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब सबसे पहले हमको एक बात यहाँ पर मेमोराइज करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं। इसको मैं करता हूँ रिवाइज, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। देखो क्या है, इसका हमने कर दिया काम खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म। अब हम जानेंगे किसको?
अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्पीच के भाग, स्पीच के भाग। इसका क्या मतलब है स्पीच के भाग, देखो सुनो, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या आप अपने मुंह से अगर कुछ भी बोलते हैं, आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं या फिर किसी की कोई बात सुन रहे हैं, ठीक है, तो सारी ही चीज़ें क्या आई, ये स्पीच है, क्या स्पीच है। तो जब ये स्पीच है, हम दुनिया के अंदर जो भी बातें सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो सब क्या होती है, स्पीच होती है। और जब वो स्पीच होती है, ठीक है, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो स्पीच कुन किसी पार्ट से मिलकर बनी होती है, किन्हीं पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम घर में खाना बनाना चाहते हैं, खाने के अंदर हमको तेल भी चाहिए होता है, ऑयल, मसाले, पानी या बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं, तो सभी कुछ होना चाहिए ना। ऐसा ही हमें लैंग्वेज को बोलने के लिए या फिर कुछ भी हम बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हमारी भाषा के अंदर आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्पीच का निर्माण करती हैं, तो पहली चीज़ को हम कहते हैं, नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। तो पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं नाउन। अच्छा, नाउन को हम जानने का काम करेंगे, किसी भी स्पीच के अंदर नाउन क्या होता है, किसी स्पीच के अंदर नाउन क्या होता है। देखो जो नाउन आपका होता है उसके आगे लिखा है मैंने सभी नाम। आपने आपकी बुक्स के अंदर जो छोटे स्टैंडर्ड की बुक्स हैं या बड़ी बुक हैं, तो उसमें ऐसे लिखा होगा संज्ञा, सही है, उर्दू में इस्म बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, तो संज्ञा, तो संज्ञा ये वर्ड ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ध्यान नहीं रहते, याद तो रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं है संज्ञा क्या होती है। तो हमें यहाँ पर नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल समझना है चीज़ों को, हमेशा के लिए याद रखना नाउन क्या होता है। इसलिए मैंने इनके नाम अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा ऐसे पढ़ने में। देखो नाउन का मतलब है सभी नाम। सभी नाम मतलब देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स, उनका अपना कोई ना कोई नाम होता है या नहीं होता। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका अपना कोई ना कोई नाम होता है, वो हर चीज़ का नाम, तो जिसका कोई नाम होता है वो आपका कहलाता है नाउन। और इसकी सिंपल डेफिनेशन है ऑल नेमिंग वर्ड्स, क्या है इसकी सिंपल डेफिनेशन, हम कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी आपके नाम वाले वर्ड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। वो आपका हंसी हो सकता है, मजाक हो सकता है, सही है, देख लेना, हंसी हो सकता है, मजाक हो सकता है, ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, किसी जानवर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी कीड़े का नाम, किसी मकोड़े का नाम, किसी एक्टिविटी का नाम, सही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिसका नाम होता है वो सब नाउन होता है, ठीक है, दुनिया के अंदर हर चीज़। तो ये आपका मैं मानता हूँ कि नाउन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस से बात को समझ लेते हैं छोटे से, अभी ना हम इनके एग्जाम्पल बस एक एक जानेंगे, बस एक एक समझने के लिए, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे, यानी डिटेल से जब पढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपसे कहूँ बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है, और दूसरे लफ्जों में मैंने कह दिया भाई साहब आपसे राम इज ऑनेस्ट, सही है। तो यहाँ पर राम और यहाँ पर बॉय और तीसरा